हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाला हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर का फ्यूचर होने वाला है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करेगा और अभी के नॉर्मल कंप्यूटर से ये कैसे अलग होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे अभी के मॉडर्न कंप्यूटर की सीपीयू में ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर और इससे भी छोटे, पर इसका भी एक लिमिट है। ज़्यादा छोटा होने से ये सब एटॉमिक साइज का हो जाता है, यानी एटम से भी छोटे। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर की बैरियर को पास करने लगता है, जो कि बड़े ट्रांजिस्टर में नहीं होता था। यानी छोटे ट्रांजिस्टर में करंट लीक होने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। इसका मतलब नॉर्मल सीपीयू की ट्रांजिस्टर सब एटॉमिक साइज की होते ही फेल होने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सब एटॉमिक वर्ल्ड का फिजिक्स हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के फिजिक्स से काफ़ी डिफरेंट होता है। इस सब एटॉमिक वर्ल्ड को क्वांटम रियल्म भी कहते हैं। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा एंटमैन मूवी में, जिसमें एंटमैन क्वांटम रियल्म में जाता है। पर जैसा मूवी में दिखाया गया है क्वांटम रियल्म, वैसा नहीं होता है, पर क्वांटम रियल्म होता है। जैसे हमारा वर्ल्ड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, उसी तरह क्वांटम रियल्म माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्वांटम रियल्म का फिजिक्स जैसा हम अपने वर्ल्ड में देखते हैं वैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा क्वांटम रियल्म के फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपने वर्ल्ड में हम एक बॉल को अगर एक दीवार पर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो क्रॉस नहीं होगा, पर क्वांटम वर्ल्ड में अगर कोई दीवार जैसा बैरियर हो तो चांस है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड चला जाए अचानक से। जैसा कि ट्रांजिस्टर में हो रहा था कि बैरियर थिन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया। तो नॉर्मल वर्ल्ड में हम जानते हैं कि एक बॉल कहाँ है और कैसे रिएक्ट करेगा, पर क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन दूसरे तरह से रिएक्ट करता है। ये कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी, ठीक लाइट की तरह। जैसा आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। इसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं कि ये एक टाइम में कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इसी तरह सुपरपोजिशन की तरह इंटेंगलमेंट भी क्वांटम रियल में बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर कोई दो पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और फिर हम इन दोनों को बहुत दूर जा करके रख दें, फिर भी दोनों सेम टाइप से बिहेव करेगा। जैसे जुड़वा मूवी में आपने देखा होगा कि एक भाई जो करेगा वैसा दूसरा भाई भी करेगा। ऐसा रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, पर क्वांटम रियल में ऐसा होता है। जैसे मान लें कि आप क्वांटम रियल में दो क्वाइन लें और दोनों का इंटेंगलमेंट करके दोनों को एक दूसरे से दूर कर दें, और फिर एक को टॉस करने पर अगर हेड्स आएगा तो कन्फर्म है कि दूसरे पे भी हेड्स आएगा। तो क्वांटम रियल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डरावना भी है, इसलिए आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी वर्ल्ड कहा था, यानी डरावनी दुनिया। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांजिस्टर छोटा होने से क्वांटम टनलिंग स्टार्ट हो जाता है और क्वांटम फिजिक्स का इंटरफेरेंस होने लगता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना क्वांटम फिजिक्स का फायदा उठा के कंप्यूटर बनाया जाए। तभी जन्म हुआ क्वांटम कंप्यूटिंग का। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम रियल्म का फिजिक्स चलता है और नॉर्मल कंप्यूटिंग में नॉर्मल वर्ल्ड का फिजिक्स। नॉर्मल कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर या तो ऑन हो सकता है या ऑफ, यानी बिट या तो जीरो होगा या फिर वन, एक टाइम में एक ही वैल्यू होगा बिट का। पर क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स की जगह होते हैं क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स। क्यूबिट्स क्वांटम रियल्म का फिजिक्स को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सुपरपोजिशन, यानी एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन दो चीज़ हो सकते हैं, तो यहाँ क्यूबिट में भी एक क्यूबिट जीरो और वन दोनों हो सकता है एक ही टाइम में। मतलब यहाँ आप डिफरेंस देख रहे होंगे, बिट जो कि जीरो या वन दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर क्यूबिट जीरो और वन दोनों हो सकता है। तो क्यूबिट का दोनों जीरो और वन होना बहुत बड़ी बात है। जैसे बिट में दो बिट में चार वैल्यू होती है, और बिट में एक टाइम में ये चार में से कोई एक वैल्यू ही होगी, यानी चारों कैलकुलेशन ये एक एक करके करेगा। पर क्यूबिट ये चार वैल्यू एक टाइम में चारों प्रोसेस कर सकता है। उसी तरह चार बिट में 16 पॉसिबल वैल्यू होते हैं, तो बिट में ये 16 प्रोबेबिलिटी को एक टाइम में एक ही वैल्यू प्रोसेस करेगा, पर क्यूबिट में एक ही टाइम में ये सभी 16 प्रोसेस हो जाएंगे। यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि क्यूबिट कितना फास्ट काम करेगा, और हर क्यूबिट ऐड होने पर ये एक्सपोनेंशियली और ज़्यादा फास्ट होता जाता है। सिर्फ 20 क्यूबिट में ये एक बार में मिलियन पॉसिबिलिटी को एक ही साथ कैलकुलेट कर सकता है, जिसको नॉर्मल कंप्यूटर एक एक करके कैलकुलेट करता है। दोस्तों, ये क्यूबिट प्रोसेसिंग के टाइम सुपरपोजिशन में रहता है, पर कैलकुलेशन कंप्लीट होने पर एग्जैक्ट जीरो और वन की वैल्यू देता है। क्यूबिट और बिट का डिफरेंस ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक क्वाइन है। बिट में क्वाइन या तो हेड होगा या टेल होगा, पर क्यूबिट में ये क्वाइन स्पिनिंग होता है, और इस टाइम हम ये नहीं बता सकते कि ये हेड है या टेल है। मतलब ये दोनों हैं अभी, यानी सुपरपोजिशन में है, पर रिजल्ट हेड या टेल ही होगा। यही फ़र्क है बिट और क्यूबिट में। इसके बाद दोस्तों, नॉर्मल कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को सेट करके लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं। वो लॉजिक गेट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी गेट्स होते हैं, क्वांटम गेट्स, जैसे एक्स गेट, एच गेट, सीजी गेट।
ये गेट इंटेंगलमेंट की प्रोसेस का यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, यानी एक क्यूबिट से दूसरे क्यूबिट इफेक्टेड होते हैं, जिससे गेट में भी कैलकुलेशन फास्ट होता है। नॉर्मल कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर चिप होता है, क्वांटम कंप्यूटर में सुपरकंडक्टर चिप होता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए नॉइस फ्री एनवायरनमेंट चाहिए और 0 डिग्री कूलिंग भी चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप नॉर्मल कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर का डिफरेंस समझ गए होंगे कि किस तरह क्यूबिट क्वांटम सुपरपोजिशन का यूज करके नॉर्मल बिट से कहीं ज्यादा फास्ट काम करता है। नॉर्मल कंप्यूटर जो काम को एक एक करके करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग एक ही टाइम में सारा कैलकुलेट कर लेता है, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट। यानी सिर्फ 20 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर एक साथ 1,000,000 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। और अभी जो गूगल IBM सबके पास जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें 50 क्यूबिट है, सोचिए वो कितना फास्ट होगा। और फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्यूबिट वाले कंप्यूटर्स आने वाले हैं, जैसे रेगेटी कंपनी 128 क्यूबिट वाला कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब दोस्तों, आप क्वांटम कंप्यूटर की एबिलिटी को समझ गए होंगे, अब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर की एक साथ कई सारे कैलकुलेशन करने की बहुत सारे फायदे हैं। ये वैसा कैलकुलेशन कर सकता है जिसको नॉर्मल कंप्यूटर को करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं कहूँ कि एक लॉक है जिसका कोड 00000 से लेकर 99999 के बीच में है, तो नॉर्मल कंप्यूटर 00000 से लेकर 9999 तक की सारी पॉसिबिलिटी को एक एक करके चेक करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। पर क्वांटम कंप्यूटर एक बार में ही सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लेगा और आपको सही पासवर्ड तुरंत बता देगा। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर से लाखों गुना ज़्यादा फास्ट हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर, और ये पासवर्ड और इंक्रिप्शन को इजीली क्रैक कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर ब्रूट फोर्स में पासवर्ड क्रैक करने में सालों लगा देते हैं, क्वांटम कंप्यूटर ये तुरंत कर देगा। मतलब क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल होगा कि अभी के इंक्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं है, तो क्वांटम कंप्यूटर हमारे इंक्रिप्शन को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है और सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर सकता है और ओवरऑल इंटरनेट सिक्योरिटी को इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स, इंक्रिप्शन, ब्रेक, माइनिंग सब कुछ आसानी से कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे नेचुरल चीज़ों की सिमुलेशन, केमिकल्स की सिमुलेशन, जिससे बायोमेडिकल फील्ड को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और नेचुरल चीज़ों की भी सिमुलेशन, केमिस्ट्री में भी फायदा होगा, मशीन लर्निंग में भी फायदा होगा। इसके अलावा कोई डाटाबेस की सर्चिंग भी ये तुरंत कर सकता है, और भी कई ब्रेक थ्रू चीज़ें जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और रही बात अभी के कंप्यूटर को रिप्लेस करने की, तो हमारा कंप्यूटर अभी सारा काम आसानी से कर ही रहा है। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि 22nd सेंचुरी में पॉसिबल है कि हर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर हो सबके हाथों में, पर अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत कंपनीज़ को है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं और क्वांटम कंप्यूटर इतने पावरफुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वांटम कंप्यूटर का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।